अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे किचन कैबिन के डोर्स, ठीक है, जिसको हम पल्ला भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एक 24 बाई 32 का ही बना लेता हूँ, एक डब्बा। ठीक है, ये समझ लें ये मेरा पल्ले का साइज है। तो इसका जो बॉर्डर हमने रखना है ना, वैसे तो हम 3 इंच रखते हैं, मिनिमम 2.5 इंच, ठीक है, मैक्सिमम 3 या 3.5 इंच हम इसका रखेंगे इन साइड की तरफ 3 इंच। ठीक है, ये मैं बिल्कुल सिंपल सा पल्ला बनाऊंगा। तो हम इसको एक गोला भी दे लेते हैं। इधर से मैंने मिलीमीटर में नहीं सेलेक्ट किया, ये समझ लें कि मैंने इधर से मिलीमीटर में सेलेक्ट किया। हम मिलीमीटर में ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 इंच इधर रखा है, अंदर इन साइड इसका बॉर्डर बनाया। तो अभी इसके अंदर मैं एक गोला भी बनाऊंगा, ठीक है, 16 मिली का। ये मैं 16 मिली का इन साइड की तरफ ये इसका गोला बना दिया। ठीक है, अभी हम बनाएंगे इसके अंदर बर्फी टुकड़ी डिज़ाइन। ठीक है, मैं इधर 45 डिग्री का जाविया ले लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक 45 डिग्री पर एक लाइन लगाई। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि इसका जो दूसरा साइज़ होगा ना, यानी इसके दरमियान जो डब्बी बने वो बने 3 इंच की। ठीक है, 3, 3.5, 3, 3.75 इतना होता है। इधर मैं लिखूँगा 76.2। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऑफसेट हम बना लेंगे। आप कॉपी भी कर सकते हैं वैसे, ये भी ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इतने जो है ना ऑफसेट इसके बना रहे हैं। इसको मैं करवाऊंगा मिरर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने मिरर करवाया। ये देखें, सारे जो है ना 3 इंच के डब्बे बन गए हैं। ये देखें, ठीक है, तो अभी मैं इसका एक जो है ना कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके बॉर्डर जो बाहर निकाल के इसको मैं ऊपर कर दूँगा। ठीक है, इसको करूँगा दरमियान में, सबसे पहले इसको मैं करूँगा दरमियान में, फिर जो है इसके ऊपर। ठीक है, एक हमने ये वाला टूल नहीं था सीखा, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिम टूल। ये देखें, अभी मैं कहता हूँ कि खुद ब खुद जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको बाहर वाले को खुद ब खुद जो है ना रिमूव कर दे। ठीक है, क्लियर आउटसाइड बाउंड्री। ठीक है, इसको मैं क्लिक, ये देखें मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखें क्लियर आउटसाइड बाउंड्री। ये देखें कितना खूबसूरत तरीन जो है ना इसने हमारा जो है ना कट कर दिया। ठीक है, अभी मैं दूसरा भी क्लियर इनसाइड बाउंड्री। ठीक है, ये बाहर वाला हमारे पास रहेगा, अंदर वाला डिलीट हो जाएगा सारा। ये देखें, ये इसको मैं क्लिक सेलेक्ट करूँगा। दरअसल ना इसको हमें दोबारा जो है ना कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है ना एरर आ जाता है, इस वजह से कहता दूसरा जो है ना अपना वेक्टर सेलेक्ट करें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने दूसरा सेलेक्ट किया। ये देखें, बाहर वाला रहा हमारे पास डिज़ाइन, अंदर वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए अंदर वाला। ठीक है, इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमारा जो किचन का पल्ला रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आउटर बन जाएगा, इसको देंगे हम आउटर। ये हमारी आउटर की फाइल बन गई, ये हमारी फेस की,
इसका हम इसको हम डाउन इसका जो वर्म है ना, हम इसका डाउन जो है ना 5 मिली डाउन रखेंगे फेस फेस, ठीक है 5 मिली फेस। और इसको हम थोड़ा जो है ना गहरा नहीं करेंगे, इसको हम 3 मिली जो है ना डाउन करेंगे, ठीक है इधर लिख देंगे 3 मिली, 3 मिली फेस, क्योंकि हमने एक ही वर्मा चलाना है। इस हिसाब से सबसे पहले हम चलाएंगे फेस 1 5 मिली वाला, इसके हम टूल पाथ बना लेते हैं 5 मिली, इधर सेलेक्ट करेंगे, फेस 5 मिली फेस। आप अपने हिसाब से भी इसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही लिखता हूँ, ठीक है। तो आगे हम इसको सेलेक्ट करेंगे अंदर वाले को, इसका हम रखेंगे 3 मिली, ठीक है इसकी डेप्थ हम रखेंगे 3 मिली, इधर लिख देंगे 3 मिली फेस, ठीक है। ये देखें बाहर वाला ज़्यादा है अंदर वाला कम है। फिर हम आउटर चलाएंगे, आउटर आउटसाइड की तरफ, इसको हम रखेंगे इधर से हम चेक कर लेंगे, हमारी 10 मिली की शीट थी, ठीक है वैसे हमारे जो पल्ले हैं ना पोनी की शीट में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है 6 मिली कैंड मिल लेंगे। आउटसाइड की तरफ हम 0 1 1 पास के ऊपर, 1 पास के ऊपर हम आउटर चलाएंगे, ठीक है ये मैंने प्रीव्यू आल टूल पाथ, ये देखें ये हमारा पल्ला कितना खूबसूरत तैयार हुआ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस टूल पाथ में ना राउंड ओवर नहीं है, इसीलिए मैं वी बिट के साथ ही काम करूँगा। किसी वीडियो में हम जो है ना इसके टूल ऐड करने आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा पल्ला है, ये हमारा 3D में पल्ला शो हो रहा है, यानी इस तरह से CNC में बनेगा पल्ला, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।